बात करते हैं ऑपरेशन वंदे भारत की, जहां आज तक की खबर का असर हुआ है। कोरोना के कारण दुनिया के तमाम देशों में फंसे हिंदुस्तानियों को निकालने के लिए केंद्र सरकार ने 6 मई को वंदे भारत मिशन शुरू किया था। कल सिविल एविएशन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने ट्वीट किया कि पांचवें फेज में वंदे भारत मिशन से अब तक लाखों लोगों की घर वापसी हुई है, लेकिन हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे उसमें टिकटों की कालाबाजारी हो रही है। हमारे ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए और ये बड़ा स्टिंग ऑपरेशन जो किया है आज तक ने वंदे भारत। वंदे भारत की अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में काला बाजारी का पर्दाफाश। IRCTC के अंदाज में ब्लैक में टिकटों की खरीद फरोख्त। ₹50,000 के टिकट बिक रहे 1,75,000 में। एयर इंडिया के बुकिंग पार्टनर को किसने कब्जे में कर लिया? दुनिया के अलग अलग देशों के लिए ये उड़ान शुरू हुई थी कि विदेशों में फंसे हिंदुस्तानियों को वापस लाया जा सके, लेकिन सरकार के दावों पर ट्रैवल एजेंट टिकटों की कालाबाजारी की कुंडली मार कर बैठ गए। आज तक की अंडरकवर टीम ने ऐसी ही ट्रैवल एजेंसियों का पर्दाफाश किया है जो आपके टिकट को बेहद महंगे दामों में बेच रहे हैं। राहुल अग्रवाल और प्रवीण अग्रवाल, रियल फ्लाइट टूर एंड ट्रेवल्स, 6 भोगलपुर लेन, जंगपुरा, नई दिल्ली 14। दिल्ली के जंगपुरा में हमारी अंडरकवर टीम रियल फ्लाइट टूर एंड ट्रेवल्स के ऑफिस पहुंची। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के टिकट का काम देखने वाले राहुल अग्रवाल से हमने दिल्ली से टोरंटो का टिकट मांगा। आप सुनिए कि कैसे ट्रेवल एजेंट ने एक एक टिकट की कीमत 1,75,000 रुपए लगाई। बताएं टोरंटो के लिए दो टिकट कितने का होगा? टिकट आपको 175 की महंगी क्यों है? 1,75,000 कब का है टिकट, कब का होगा? 8 अगस्त की 11 अगस्त की 8 और 11 बजे। तो आपको क्या चाहिए? पासपोर्ट की कॉपी? पासपोर्ट की कॉपी चाहिए। कितनी टिकटें चाहिए? 2 टिकटें चाहिए। हो जाएगा ना? मतलब आप 1,75,000 मांग रहे हैं, हम दे रहे हैं ना वो कोई एक टिकट के 1,00,000 की। कायदे से ये टिकट एयर इंडिया की वेबसाइट से हो जाना चाहिए, लेकिन टिकट होगा तो ऐसी ट्रैवल एजेंसी की सेटिंग से ही। यहाँ आपको जो टिकट मिलेगा वो कंफर्म होगा और उसको एयर इंडिया की वेबसाइट से लेकर कॉल सेंटर तक में कंफर्म करवा सकते हैं, और ये भारत सरकार की वंदे भारत वाली योजना के तहत टिकट होगा। अंदर से करवानी पड़ती है? हमने राहुल से जानना चाहा कि आखिर क्या वजह है कि एयर इंडिया की साइट पर ये टिकट नहीं मिल रहे। तो भ्रष्टाचार और टिकटों के गोरख धंधे की धारा तो यहाँ बहती दिख रही है। कितनी बस टिकट मारवाई हो रही है सर? आप यकीन मानोगे, जब फ्लाइट खुलती है ना, जिस दिन डेट आती है कि आज से शेड्यूल दिख रहा है एयरलाइंस का 4 दिन का, तो जिस टाइम खुलती है उसके सिर्फ 2 मिनट में 4 दिन की फ्लाइट पैक हो जाती है, सिर्फ 2 मिनट में। हमने राहुल से पूछा कि वेबसाइट पर लो टिकट का किराया बहुत कम दिखा रहा है, इसकी क्या वजह है? तो राहुल ने बताया कि वो टिकट हो नहीं रहा है।
अगर आप गूगल पे डालते हो एयर इंडिया की, देखते हो तो 75,000 दिखा रहा है वो, दिखा रहा आप डालो ना। मैं कह रहा हूँ जो डेट मैं आपको बता रहा हूँ, सीटें मिल रही हैं किसी भी फ्लाइट में, वो तो ये बता रहे हैं कि लोअर वे 75,000 रुपये का है, पर 75,000 में क्या वेबसाइट पर सीटें मिल रही हैं, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। वेबसाइट पर तो सारा कुछ नहीं है, सब पैक पड़ा।